पहले तो इन सरपंचों की बात, एक एक बात आपने अपने गांव की बतानी है, अच्छी बतानी अच्छी बताओ, खराब बतानी खराब बताओ, ठीक है? शुरू खराब करो, अपना नाम अभी माइक दो, अपना नाम और गांव बता देना। मैं राजेश कुमार है सर, गांव जलबेड़ा का सरपंच हूं। आपने सर ई टेंडरिंग का जिक्र किया था, मैंने एक टेंडर लगवाया जी 8.5 लाख का, 8,62,000 का, दो टेंडर छूटे जी 6,42,000 का, 8,62 में 6,42, हाँ जी 2,20,000 बच गए, पंचायत के बच गए जी, वो 30% पैसा बचा, 30%। और वही अगर मानो किसी के हाथ में आ जाता तो 8 से कुछ ना कुछ बहाना बुना मिला के वो 9 का ही बढ़ता, 8 का भी नहीं बढ़ता। अब वो 2.5 लाख जी आगे लगाएंगे, और जो ठेकेदार था उसको इराया दी भी, इसमें सामान में कोई कमी ना आ जाए। हाँ, क्वालिटी में और क्वांटिटी में, अगर 1,000 ईंट लगनी है तो 1,000 ही लगनी है, 990 नहीं लगना, और ईंट अगर सही लगनी है तो वही लगनी, पिल्ली नहीं लगनी है, तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में उसका ध्यान। और ये काम है सरपंच का या गांव के जो और लोग हैं उनका, सबका मिल करके इन दो चीजों का कंट्रोल अपने को रखना। सर ऐसा है, जिसका काम कर रहे हैं ना उनको पहले ही देते हैं, अभी काम में कमी हो हमारे को बोलो, हम ठेकेदार को बोलेंगे या उसको कहेंगे भी माल सही हो, कमी हो हमारे को बताओ, और पैसा ठेकेदार का साथ साथ देंगे, हाँ जी उसमें कमी आने नहीं देंगे, उसमें कमी। चलिए बैठो, आपका कोई और नाम पत्र हो बाद में दे देना। हाँ, ये बहन हमारी कौन सा गाँव है, मुझे लगता है कि सबसे छोटी उम्र की सरपंच जी है? नमस्कार सर जी, नमस्कार सर, मीना कुमारी प्रोफेसर का मिराज जी सरपंच, ये मेरे पिताजी हैं सर। सर गांव की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या सर। कौन सा गांव है सर? गांव ठसका मिरान जी है, ठसका जी। तो पानी की यहाँ पे दो गंदे पानी के जोहड़ है, एक में प्लांट सिस्टम लगाया जाए और एक में सीवरेज चली जाए सर। देखिए हमने जो बड़े बड़े गांव के जो तालाब हैं उनको ठीक करने के लिए व्यवस्था बना दी है तालाब अथॉरिटी हरियाणा की। बैठो बाबा, बैठ जाओ, कहीं आगे जाने का फायदा नहीं है, माइक यहीं आएगा, आपने बोलना होगा तो यहीं बैठ जाओ, जरूर बैठ जाओ भाई। जी तो पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है सर, इसकी तरफ पानी की निकासी में, पानी की निकासी में आप पहला तो यह है कि अगर खराब पानी है उसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद उस पानी का उपयोग वहीं करना है, उसको ड्रेन आउट करके नदियों में नालों में नहीं ले जाना जी, जी, और वहां करने के लिए अगर तो खेती में यूज हो सकता तो खेती में करेंगे, कोई इंडस्ट्री होगी तो इंडस्ट्री में करेंगे, नहीं तो आसपास कोई पार्क है कोई पेड़ लगे हैं उसमें डालना है, सारा पानी का उपयोग वहीं खेती बागवानी इंडस्ट्री इसमें करेंगे, ताकि कोई पानी हमारे पास आ गया साफ आया या गंदा आया, साफ आया तो उपयोग करेंगे, गंदा तो साफ करके फिर उपयोग करेंगे जी, सर उसको खाली करके गहराई बनाया जाए। हाँ ठीक है, उसको कराएंगे अभी, अगर तो आपका कोई एस्टिमेट बन गया है सेंटर ने ठीक है, नहीं तो खाली कराने का काम पंचायतों को हमने कह दिया कि वो अपने आप करा ले, फिट चार्ज कर देंगे, जो पंचायत का पैसा उसमें लगा सकते हैं जी, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ इधर कोई सरपंच, जो सरपंच है वही बोले, हाँ तो फिर गुरु सरपंच और ये सरपंच ऐसे क्यों हो रहे हैं, वो अलग अलग गांव है, अलग अलग गांव है। अच्छा सरपंच प्रतिनिधि भी ना बोले, ना सरपंच के पिता बोले ना पति बोले, हाँ आप खुद सरपंच है, आप खुद है और तो नहीं कोई, किसी की जगह ले ली हो आपने, यहाँ खुद चुना था, चलिए बताओ। नमस्कार जी, सबसे पहले यहाँ मंच पर जो लोग बैठे हैं सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। सीएम साहब मैं एक बात की विनती करना चाहता हूँ कि जो गांव में, मेरा नाम रविंद्र काजल है जी, मैं एडवोकेट हूँ और भारती जी का जूनियर हूँ, पहवा प्रैक्टिस करता था, अब मैं गांव का सरपंच चुना गया हूँ। बहुत बढ़िया, तो जी हमारी एक समस्या है, जो गाँव, चलो चलो गाँव का नाम, जो गाँव में जी तालाब बने हुए हैं उनके ऊपर अवैध कब्जा होता है, अगर सरपंच हटाए तो फिर वहां पर बोलचाल होती है, हम चाहते हैं जी तालाब के चारों तरफ जो जाल होता है लोहे का 6-6 फीट वो जरूर लगवाया जाए जी। एक तो तालाब ज्यादातर सड़क के किनारे हैं जी, कोई हादसा होता है तो व्हीकल ना चला जाए उसके लिए भी हमें सुविधा रहेगी, दूसरा कि उस पर नजायज काबिज नहीं होंगे लोग जाल लगने के बाद, एक साफ सफाई रहती है जी उसके कारण, हम ये चाहते हैं भी ये तो आप सभी पंचायतों में हमने सरपंचों ने विचार विमर्श किया था कि सीएम साहब को रखेंगे डिमांड कि ये तो सभी तालाबों के ऊपर जाल जरूर लगवाया जाए जी,
ये सबसे बड़ी समस्या है जी गाँव की। ऐसा है कि अभी हमने एक जो योजना बनाई है स्वामित्व योजना, जिसमें गांव के अंदर पहले लाल डोरा होता था, लाल डोरा हमने उसको कहा के समाप्त करके वहां जो प्लॉट का मालिक है उस मालिक का नाम रजिस्ट्री होल्डर किसको दे दी जाए, और उसका क्योंकि पहले तो कोई प्रूफ है नहीं है किसी डिपार्टमेंट के पास, पहली बार हम पंचायतों से ग्राम सभा से पूछेंगे कि बोलो भाई इसका ही मालिक है कि नहीं है, उनकी गवाही पर ही और उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब अगर कहीं किसी ने कब्जा कर रखा है तालाब की जमीन के ऊपर, पहली बात तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसकी रजिस्ट्री ना कराना देना, उसकी रजिस्ट्री अगर नहीं होगी तभी होगा, ये कब्जाधारी है और कब्जाधारी को जब भी कोई हटाने की बात आएगी उस समय हटा देंगे, वो तो आप लोगों की हिम्मत चाहिए कब हटाना है। आप अगर ये कहेंगे आज ही हटा तो आज ही हटाएंगे, क्योंकि हटाने के लिए अगर कोई वहां से डिपार्टमेंट के लोग पहुंचते हैं तो खड़े कौन हो जाते हैं लोग, फिर सरपंच आए खड़ा हो जाता जी मत तोड़े इसको, या दूसरा कोई गांव के चार लोग खड़े हो जाएंगे मत तोड़े जी। अगर गांव के लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो नाजायज कब्जेदारी है इसको हटाना है, तो मिनट में हट जाएगा देने लगेगा। ठीक है, और इधर कोई बोल रहे थोड़ा आप बोल रहे सरपंच है आप? जी सर। नहीं नहीं पहले सरपंच, पहले सरपंच, आप सरपंच है ना, उसके बाद बताएंगे। नमस्कार जी, गांव दुनिया माजरे से सरपंच हूँ गुरबाज सिंह, पुलिस महकमे से रिटायर्ड हूँ जी, और हमारे गांव में वैसे तो माल पत्र दे दिया जी हमने। ठीक है, सबसे ज्यादा समस्या जो है वो पानी निकासी की है जी, जो आप बहन ने बताया। हाँ जी, जोहड़ है 4-5 एकड़ का जी, वो किसी योजना के तहत उसकी खुदाई हो जाए और गंदा पानी की कोई ना कोई, सर खुदाई तो सब होगी और सब उन्होंने लगा रखे हैं, लेकिन प्रदेश में बहुत ज्यादा जोड़ है तो टाइम से ही होगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन उसको खाली करना उसकी गाद निकालना ये भी जरूरी है ना। हाँ जी, तो क्या अगर हम गांव के लोगों को कहें कि इसका जो छोटा मोटा खर्चा है वो सरकार दे देगी, वो चाहे पंचायत फंड में से दे चाहे किसी फंड में से दे, उसकी गाद निकालने के लिए आप लोग को जेसीबी लगा के ट्रैक्टर लगा के गांव के मजदूर लगा के और पानी जो है पंप लगा के उसको पानी को बाहर करने का काम ये करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। हाँ चलिए ठीक है, आपको अब 2-1 दिन में ये पत्र आ जाएगा कि गाँव के लोग अपने तालाब की निकासी और गाद निकालने का काम वो सब करें, और उसका जो खर्चा है तेल का खर्च है या अच्छा मजदूर तो मनरेगा में लग जाएंगे, गांव में ट्रैक्टर लोग अपने आप दे देंगे कि नहीं अपने 2-4 दिन के लिए, पूछना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था गांव में जो काम होते थे ना ऐसे सांझे काम बारी से सब करते थे, मुझे तो याद है कि जिस गांव में हमारी खेती थी पिताजी कहते थे कि बेटा हमें एक आदमी जो है अपने घर का चाहे वो खुद जाए पिताजी चाहे मजदूर भेजे वो नालियां साफ करने के लिए खुदाई करने के लिए, सारे गांव के हर घर से एक आदमी कुड्डी वहां कुड्डी शब्द है यहाँ है कहीं बनाने कुड्डी गेल एक आदमी, तो कुड्डी के हिसाब से एक आदमी वहां जाता था, तो गांव के लोगों को आज भी अपना ये सांझे काम करने के लिए ऐसा अभियान चलाना चाहिए। अब तो सर पूरे मंदिर में ठेके देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ में विक्रम सिंह, ये देखिए नहीं आया कोई बात नहीं, गांव झांसा में जो है सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सरपंच और आम लोगों से जुड़े समस्याओं सुन रहे हैं और उनका मौके पर ही समाधान कर रही है। बहुत ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। पानी के तालाब वहाँ तो तालाब ऐसे नहीं है जो भर जाए, वहाँ तो तालाब में पानी इकट्ठा करना पड़ता है सिंचाई के लिए, बरसात में पानी बाहर चला जाता है, उन्होंने पानी रोकने के लिए हजारों तालाब हर गांव ने कहा ठीक है जिसने मनरेगा गांव झांसा की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से जाएगा, हम खुदाई करेंगे मिट्टी बाहर निकालेंगे, हजारों की संख्या में तालाब बना लिया। तो ये तालाब वाली जो चीजें हैं सरकार के भरोसे सरकार कराएगी, लेकिन भरोसे बैठा रहोगे पता नहीं आज हो 6 महीने बाद हो 2 साल बाद 2 साल लग जाए, इतने सालों से अभी पेंडिंग रह गया ना, तो इसलिए अपने गांव की निकासी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले इसका अभियान चलाओ, गांव के सरपंचों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद जो है आम लोगों से कम से कम समस्या सुनेंगे, खर्च भी पंचायत के खाते में से जाएगा। तस्वीरें देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ गांव झांसा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाद निकाल जेसीबी या ट्रैक्टर और नहीं अपने नहीं लगाएंगे किराए पर मिल जाएंगे ना, तो उनको कहो 2 दिन किराए पर 2 दिन फ्री, ऐसा तो हो जाएगा बस ठीक ऐसा एक के साथ एक फ्री कच्ची सड़क है जी 1.5 किलोमीटर का, आपने लिख दिया ना सर। हाँ जी सर, बस हर एक समय एक एक काम पूछ रहा हूँ। आप सरपंच आ गए इधर, हाँ सरपंच
कौन से गांव के? कबरा गांव से। खड़े तो पीछे से पहले आपसे। नमस्कार सर, चलो आप मैं कबरा गांव से सरपंच हूँ। वासो मेरी थोड़ी सी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है। मेरे गांव में संदीप जी ने एक सड़क बनवाई और सड़क बनी हुई को लगभग 7-8 महीने हो गए। गांव के अंदर टुकड़ा छोड़ दिया। अच्छा। कई बार हम एसडीओ साहब से मिले, शाहबाश से, कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम महोदय पेवा को रिक्वेस्ट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। संदीप जी को मंत्री जी आपके सामने बैठे हैं। इस्माइलाबाद पीडब्ल्यूडी का एक्शन कोई है या कौन आया? ऐसी होगा कोई होगा? मैं बोल एक मिनट, कोई है क्या? कोई नहीं आज। आ गया जी, उधर से आ गए। आ गए, इनको माइक दे दो। इनकी सड़क का क्या है मामला? ये एनक्रोचमेंट है किसी का मकान, उसका बना हुआ है। अच्छा, तो किसने बना रखा हुआ मकान? सर जी एक दो मकान है, यदि प्रशासन आए रिक्वेस्टली समझा सकते हैं, दूसरी तरफ से भी ले सकते हैं। आप सरपंच है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लिख के दो, ठीक है। ये उनके एनक्रोचमेंट को तोड़ दिया जाए, ठीक है जी। आपको साथ खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल साथ खड़े होगा जी। समझाना नहीं है, एनक्रोचमेंट तो एनक्रोचमेंट है, ठीक है। गांव अगर साथ खड़ा होगा हम सब कर देंगे, ठीक है। गांव साथ नहीं खड़ा होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि दुश्मनिया मोल तो कौन लेगा वहां के? कोई नहीं लेगा, ठीक है जी। किसी से वहां के पत्थरबाजी होगी, फिर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। सामाजिक काम के लिए सर जी, यदि कोई आंच भी आए, सभी तीन गांवों का है, इनसे लिखवा दे, जिस दिन ये लिख के दे दे, उस दिन अपना पुलिस बुला, उसको तोड़ दो। थैंक यू। आगे बोलो, माइक दो भी पीछे। नमस्कार सर, कौन से गांव के सरपंच हैं? सर मैं डॉक्टर जसविंदर कह रहा हूँ, जेजेपी यूथ प्रेसिडेंट। ये बाबा जी हैं जगन्नाथपुरी जी। जी जी सर, हमारी एक समस्या है सर, लगभग 20 गांव हैं हम तो। एक सर जो रोड बन रहा है 152 जी जलबेड़ा से लेके शाहबाद तक, डॉक्टर जसविंदर कह रहा हूँ, सीएम के समक्ष गांव के समक्ष रखते हुए, सर पुल बना हुआ है ना, जो बात बना हुआ है गोल्डन पिरामिड के माध्यम से, 2 किलोमीटर का एरिया है जो वो छुटा हुआ है सर, जो पानी क्रॉसिंग के लिए। तो सर समस्या ये है कि जब आगे सड़क बन जाएगी, हम डी साहब से मिले थे, बड़ी अच्छे से इन्होंने सुना और वहां पर गए भी, तो अगर सर सड़क बन जाती है तो पानी निकासी का कोई प्रावधान वहां पर नहीं रहेगा सर। तो हम ये चाहते हैं कि वहां पर कोई या तो फ्लाईओवर बनाकर सर अच्छे तरीके से पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। अभी उसको कौन बना रहा है उस सड़क को? एनएचआई सर। एनएचआई बना रही है जी सर। पीडब्ल्यूडी का तो उसके साथ होगा ना कोई ना कोई तालमेल, पीडब्ल्यूडी एक्शन बताएं। इरिगेशन ने भी सर रिपोर्ट दी है कि एक्चुअल में वहां पर जरूरत है सर, 87 नहीं, नहीं, पर पीडब्ल्यूडी कोऑर्डिनेट करेगी ना एनएचआई से। पीडी कौन बैठता है? अच्छा, तो ये विषय आपके ध्यान में है? हाँ जी सर, डी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वहां पर जाकर भी और बड़े अच्छे तरीके से ये समझा है सारा सर, बड़ा कोऑपरेट किया है। तो फिर क्या हो जाएगा उनको बताएं? ठीक है, उसका जब तक समाधान नहीं होता तब तक काम उसका रुकवा दो, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। सरपंच कौन है? सरपंच भाई जो सरपंच है पहले वही बोले, बाद में टाइम देंगे सबको। कि पानी निकासी की जो समस्या थी उसको आगे आओ, क्या काम रखवाने के आदेश सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए। नमस्कार सर, मैं ग्राम 85 रिवेट से सर। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं विक्रम सिंह के साथ। सर मेरे गांव में 8.5 साल से आपकी सरकार है सर, एक भी काम एक भी ईंट मेरे गांव में नहीं सरकार, अब तक सरकार मेरी नहीं आपकी भी है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर। मेरे गांव में हमारी सरकार है, मेरे गांव में एक ईंट भी आपकी सरकार में नहीं लगी है सर। मेरे आपसे पहले, आपसे पहले सरपंच कौन था जी? धर्मवीर सिंह। उसका कान पकड़ो जी सर। मेरे गांव में मेन फिल्ली भी इंटो वाली है जी। सुनिए सुनिए, और मेरे गांव से डेथ पर रास्ता जाता है। देखिए सिस्टम समझ लें, सरपंचों को, पंचायतों को, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनको सरकार पूरा पैसा देती है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और पैसा देने के बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तो ये गांव के लोगों को ही पकड़ना होता है उसको।
क्योंकि काम वो जबरदस्ती कराएंगे ये हम तो नहीं कह सकते। अब तो ये पैसा भैया ये लो, इस पैसे से काम करा लो, निकाल लो पैसा। नहीं निकालोगे तो पैसा अपने आप वापिस आ जाएगा। अभी पिछले मार्च से पहले जो पिछला साल चला गया, हमने ये जनवरी में 1100 करोड़ रुपया पंचायत समिति, पंचायतें, जिला परिषद इनके खातों में डाल दिया था। और डालने के बाद ही कहा था भी काम इसमें आप हर गांव का उसमें तय था कि आपको कितना उसमें से काम कराना है। अपने गांव का उस पैसे के हिसाब से जो काम करा लिया उन्होंने निकाल लिए, और जिन्होंने नहीं कराया पैसा वापस चला गया, वो अगले इस अप्रैल में फिर आएगा। तो इसलिए पहले अगर काम नहीं कराया तो एक बार उसी सरपंच से हिसाब का पूछो, गांव के लोगों गांव के पूछ लो इससे क्यों नहीं कराया। और अगर आपने प्रस्ताव डाला नहीं डाला भी सर डाल दिए, आपने प्रस्ताव डाल दिया तो आप इटेंडरिंग में तो ठीक हो ना? हाँ जी ठीक है जी। सर एक दिक्कत है जी इसमें भी, हाँ। जो आपका एसएफसी का पैसा है ना, हाँ। जो चंडीगढ़ से उसकी पेमेंट होती है जी, कहीं नहीं होती। अरे प्रोसेस बहुत लंबी है। अरे कोई लंबी नहीं है, सुनो मुझे मालूम है ना। हाँ जी ये एसएनए अकाउंट बना हुआ है, उस एसएनए अकाउंट में हम इकट्ठा डाल देते हैं 1100 करोड़ रुपया। ठीक है, जिसने काम कराना है काम करा के उस बैंक में से वो अपने आप पता कर लेते हैं कि इस गांव का कितना पैसा है। सर इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल आपके अकाउंट में, चंडीगढ़ से ना आपकी बहुत दिक्कत होती है, लंबा प्रोसेस है सर। अगर ये चंडीगढ़ नहीं होता वो पैसा, वो तो बैंक अकाउंट में होता है, अकाउंट ऑनलाइन होता है। चंडीगढ़ से पेमेंट सर चंडीगढ़ से होती है, नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ सभी सरपंचों को दिक्कत है रही है जिसकी ऑनलाइन पेमेंट होती है। जी पेमेंट तो ऑनलाइन होती है जी। आप ये कहो कि आपके खाते में आएगी नहीं आएगी? हाँ जी ठीक है। नहीं पेमेंट तो ऑनलाइन होती है पर इसकी प्रोसेस बहुत लंबा है। मैं कहता हूँ आप ये करके दिखाओ ना और फिर कागज लेके आ जाओ। सर तकरीबन काम भी करो सरपंचों ने करवा दी और पेमेंट अभी तक अटकी पड़ी है। आप एक कागज किसी गाँव का लेके आ जाओ, मैं यही हूँ, आज दो दिन तीन दिन यही हूँ। ठीक है, एक गांव का हिसाब लेके आ जाओ, इस गांव ने ये काम इस दिन कराया था और पेमेंट के लिए उन्होंने ओके यानी अपना बिल जो है वो डाल दिया और बिल डालने के बाद पेमेंट नहीं हुई। ठीक है जी, आप एक गांव के दो तीन चार काम ले आओ। हाँ जी, फिर मैं पकड़ूंगा उनको। सरपंच खड़े हैं जी। अरे खड़े नहीं, एक कागज पर हिसाब लेके आओ गाँव का। ठीक है, खड़े होने में बहस नहीं करनी है, किसी गाँव का हिसाब लेके आओ मेरे पास। सर ये कुछ गाँव के जो मेन काम है अभी ले लेंगे। ठीक है, सबके लेंगे। अभी रुको, कोई काम करो तर्क से करो, बिना तर्क के केवल कहने मात्र से। देखिए मेरा दूसरा कहना है, कुछ लोगों की उठती आदत बहस करना, बहस का नहीं, कागज के ऊपर लाओ। कागज पर लाओगे मैं भी किसी को पकड़ूंगा तो कागज दिखा के पकड़ूंगा। आपने मुझे कह दिया, मैं मानो किसी को धमका दूंगा, दूसरे वो कहेगा हमारा तो इसमें कुछ दोष ही नहीं है जी, ये तो है ही नीचे गड़बड़, किसी और की गड़बड़, किसकी गड़बड़ है वो तब पता लगेगा। नहीं सर हम भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं आपसे कि इसको थोड़ी लंबी प्रोसेस है, आप थोड़ा ठीक करो, आप लेके आओ कि पेमेंट को पंचायतों को दिक्कत ना आए, जल्दी कराएंगे। ठीक है, हाँ। और पीछे कोई सरपंच है सर? ये काम अरे दे लेंगे, अरे जाना तो नहीं आपने वापस नहीं जाना, आपने वापस तो नहीं जाना। हाँ यही रहो, ये तो थोड़ी देर कहा उधर बजाओ। हाँ आप ही सरपंच हैं, बताओ। बहुत ही मान सम्मान योग आज झांसा में आए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके साथ आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले सरपंचों से बातचीत कर रहे हैं, सरपंचों से उनको और जान रहे हैं, उसके बाद पूरे आम लोगों एरिया से आए हैं सभी माताएं बहने। चलिए अभिषेक बोलो, पत्रकार भाई अभिषेक बोलो जी। गांव पिपली माजरा सरपंच जनाब, पानी की समस्या हर गांव में है तो हमने भी उस पर कोशिश करी और कुछ सफल भी हो पाए हम, क्योंकि जब ऑपरेटर जो ट्यूबवेल चलाता है तो उसका समय जो है पूरे गांव के लिए 1 घंटा या 45 मिनट ऐसे चलाते हैं। तो हमने इस पर काम किया कि जब पानी नीचे से ही कम टाइम में आएगा तो ओवरफ्लो नहीं होगी, नालियां ओवरफ्लो नहीं होगी, तो तालाब है वो भी ओवरफ्लो नहीं होगा। तो हमने उस टाइम को 20-20 मिनट कर दिया दो टाइम, तो उससे हमारे गांव का एक तो पानी बचा, नाली और फ्लो नहीं हुई। हाँ जी, और अभी हम जोड़ा साफ करने जा रहे हैं, उसमें पानी भी ठीक ठाक है और जल्दी साफ हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया, पंचायत फंड से। और मेन समस्या है हमारी, आपका नाम क्या है? देशपाल। कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत पीपली माजरा। पीपली, हाँ जी, दो गांव की पंचायत है, श्रीनगर मेरा गांव है, दो गांव की पंचायत है हमारी, श्रीनगर और पीपली माजरा की। हाँ जी, और एक पिपली माजरा से रास्ता जाता है जी, उसमें चार डेरे हैं, डेरा बामा कंबोज सरामा का और लाल के, और ये सड़क एक स्कूल को जोड़ती है मेगा माजरा बड़े स्कूल को। तो जनाब ये सड़क बहुत खराब है,
22 साल पहले सड़क पे थोड़ा सा काम हुआ था, और पिछली बार माननीय संदीप जी ने भी कुछ पैसे ऑर्डर किए थे, लेकिन वो माने नहीं कि ईंट वाली सड़क नहीं हमने बनवानी, तो वो रास्ता ब्लॉक वाला बनवाना है जी। तो इसकी मंजूरी चौड़ाई कितनी है उसकी? चौड़ाई 14 फुट है जी, यानी 2.5 करम कितने करम है? ये 22 किले है जी, 3 करम भी हो तो भी थोड़ा, 3 करम का मतलब 21-20 हो जाता है, 14 फुट की सड़क है, 14 फुट तो मतलब क्या 2 करम भी नहीं हुई, 2 करम ही हुई, और 22 किले है जी, 22 किले टोटल टुकड़ा है खेतों का, खेतों का नहीं डेरे जोड़ दिया। देखिए सुनिए, सड़क की चौड़ाई के हिसाब से उसका काम होता है। हाँ जी, 6 करम की सड़क सब पीडब्ल्यूडी बनाएगी, ट्रकों की बनाएगी, 5 करम की सब सड़कें मार्केटिंग बोर्ड बनाएगी, वो भी ट्रकों की बनाएगी, 5 करम से नीचे वो तारकोल की नहीं बनेगी, 4 करम की बनेगी पेवर ब्लॉक की, 4 करम से नीचे बनेगी ईंटों की, ब्लॉक वाली बनानी है जी। नहीं वो तो 4 करम की कम से कम, या तो सबको का रास्ता बना दो, रास्ता छोड़ो 4 करम, 4 करम का मतलब है कि 27 फुट, तो जहां तक जो नहीं 22 फुट, 4 करम का 22 फुट, 22 फुट चौड़ाई अगर मिल जाएगी तो पेवर ब्लॉक की बनाएंगे। जहां तक जो जिम्मेदार सहमत है जी, वहां तक ये पावर ब्लॉक की बना दे, और जहां से नहीं मानते वो वहां ईंट वाली बना देगी। नहीं उनको बनाओ ना, गांव के आदमी है ना, आप बनाओ, और ज्यादा ये नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मार्केट रेट से उस जमीन का पैसा भी दे देंगे। और बोलो, बड़ी मेहरबानी जी, धन्यवाद। हमारा तो कहना कि जमीन दे के अपना जो मार्केट रेट का पैसा ले ले तब तो छोड़े, फ्री में ना दें। हाँ जी, पहले जब फ्री में देते थे उस समय उनको तकलीफ भी होती थी, अब जमीनें महंगी हो गई हैं, हम कहते हैं ठीक है उसको कहीं से काटेंगे, सरकार से देंगे या पंचायत फंड से देंगे या जिला परिषद फंड से देंगे, जमीन देने के लिए तैयार तो हो, लिखवा के ले आओ, मार्केट रेट पर देने के लिए तैयार है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब सरपंच क्या, सरपंच नहीं रुको रुको रुको, अभी जो पीछे लोग हैं उनमें से कोई बोलना चाहता है, आप इन कैमरे वालों से आगे आ जाओ, जो जो खड़े हैं खंडवे वाले, इनको दो माइक, वही वही खड़े रहो, वही खड़े माइक दो, जरा पीछे पीछे से यूं आएंगे आगे की तरफ, नहीं तो फिर कई बार सभाओं में क्या होता है आगे वालों का नंबर आ जाता है पीछे वाले रह जाते हैं, और हम तो अंत्योदय पर काम करने वाले होते हैं, जो अंतिम सब्जी उसकी चिंता पहले करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मैंने आज से 5-6 साल पहले बिजली की सिक्योरिटी भरी थी, और उसके बाद मैंने ये सारा डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा दिए दफ्तर में, जैसे कि फायर का सर्टिफिकेट और मोटर का बिल, कंपेस्ट का बिल, सभी जमा करा दिए, और पैसा भी कनेक्शन के बारे लिए जमा करा दिया, ऑनलाइन कर दिए जमा, तो फिर आज तक बिजली कनेक्शन ट्यूबवेल का मिला जी मेरे को। देखिए ना मिलने का कारण अगर मुझे जानकारी है जिसके कारण से रोके हुए हैं, पहले वो बताओ आपका कौन सा ब्लॉक है? मेरा शहबाद ब्लॉक है जी। ये डार्क जोन है कि नहीं है? नहीं जी, अब नहीं है जी, डार्क जोन पहले था, अब नहीं है, डार्क जोन नहीं है, नहीं है जी। ठीक है, एक समस्या हल हो गया। दूसरा, नए कनेक्शन जो हम दे रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं माइक्रो इरिगेशन लगाओ, माइक्रो इरिगेशन लग गया? हाँ जी सर। चलिए, पावर खेत में लग रहा है जी, ऐसी पावर कौन है यहाँ कनेक्शन जो देता है? आप है, क्या है इनका केस? नहीं पहले डाकघर था? हाँ सर पहले था। कब कब उसे बाहर कब हुआ? लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आई थी गवर्नमेंट की, जिसमें के डार्क जोन को डी नोटिफाई करके इन लोगों को चांस दिया गया था, इन्होंने उसको अडॉप्ट किया है, उसकी सारी डिटेल। कब कब क्या टाइम बताओ? ये सर 3 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले हुआ है सर। 3-4 महीने पहले डार्क जोन से बाहर हो गया, तब उनको मौका मिला जी सर, ये बात ठीक है? मैंने तो सर 6 साल हो गए जी। प्रश्न दूसरा कह रहा जी, डार्क जोन था, डार्क जोन से बाहर निकलने के लिए जो डॉक्यूमेंट आए हैं वो 3-4 महीने पहले आए हैं? हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, तो जब 3-4 महीने ही कहो, उससे पहले तो डार्क जोन में सब कनेक्शन रोक रखे थे हमने, 3-4 महीने से आपका ओपन हो गया, अब जल्दी कनेक्शन मिल जाएगा आपको। हाँ जी, अब ये फुहार अभी खेत में लग रहा है, मिल जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ जो जिसने माइक्रो इरिगेशन पर आगे उनको कनेक्शन मिलेंगे, इस तरह जल्दी कराओ। और कौन पीछे आगे वाले तो बड़े हैं भाई, पीछे कोई और? हाँ ये बहन बोल रही है, इन्होंने पहले भी खड़ी हुई थी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ना हॉस्पिटल में काम करती थी। अच्छा, तो वहाँ पे काम करने के बाद ना एक नरोत्तम दास था जो बहुत परेशान करता था हमें,
तो उसने ना हमारे ऊपर इतने ब्लेम लगा दिए हैं कि ये उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे SMO सर थे, वो भी डरते थे उससे, सब डरते थे उससे। उसने हमारा ना जीना हराम कर दिया था। उसके खिलाफ शिकायत दी कोई आपने? हमने सर थाने कंसे में की थी, रात को पुलिस भी आई थी पर उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई। वो उसी टाइम चला गया वहाँ। तब की बात है सर, ये 2000 मतलब 5 साल हो गए हमें। SP साहब जरा ये देखो, आपको तो नहीं पता होगा पुरानी कंप्लेंट है, कोई कंप्लेंट की लेकर के अभी अभी वो ही लगा हुआ है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता सर। उसमें ना हम सारे स्टाफ के बंदे थे, सिर्फ एक लेडीज मुझे उठाया गया था, 9 लड़के हो रहे हैं जिन्होंने हमने कोई ताला नहीं लगाया था। SMO सर के पास फोन किया था, SMO सर बोला निशान नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ताला लगा दो। हमने ताला लगा दिया, ताला बंदी में सिर्फ अकेली और मैं हूँ। नहीं आपने अच्छा काम किया होगा, लेकिन आप जो सर उस लड़के ने ये बोला था मैं ना डॉक्टर महेंद्र कहाँ करने वाला सर? नहीं वो कहाँ करने वाला था? वो किरमच का है। अच्छा, नरोत्तम दास है वो। तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? FIR कहाँ रखी है? उसके पास कोई FIR कहाँ रखी है? सब कुछ करवाया। SP साहब 15 दिन में इसका जवाब मुझे चाहिए सीधा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 15 दिन में SP जवाब देंगे, 15 दिन में SP जवाब देंगे। मैं इतना जो कह दिया है उस जवाब के आने तक तो इंतजार करोगे? सर जी कर लेंगे, 5 साल हो गए हम कर रहे हैं। अरे 15 दिन करोगे ना? हाँ 15 दिन, तो बस 15 दिन बाद बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, पक्का करना कभी। अच्छा SP के घर पहुँच जाना, SP के घर पहुँच जाना 15 दिन बाद, मेरे पास खबर आ जाएगी। ये बात SP के यहाँ चले जाना। चलिए ठीक है, चलिए नमस्ते सर। एक्चुअली मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जो ये लेडी बोल रही है वो सच बोल रही है, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं SP साहब के पास भी गई थी, मैंने अपने मेडिकल्स भी दिए थे, कुछ भी नहीं लगा। पुलिस वालों ने वो मेडिकल भी हटा दिए। इस टाइम पे मेरा केस कोर्ट में चल रहा है, तो मैंने मेडिकल अब दोबारा एप्लीकेशन के साथ दिए हैं, तो मेरा अब आगे फर्दर केस चल रहा है। सर अब तो हो गया, मतलब उस टाइम अब तो आपका हो गया, आपका तो कोर्ट केस है ना, तो इन्हीं की मतलब गलतियों की वजह से क्या पीछे कोई और कोई सीधा। अच्छा अब फिर आगे आ जाओ पीछे वाले, अभी करते हैं, अभी करते हैं, आगे आ जाओ, याद रखो जो भी ऐसा जो लिखी बातें हैं वो भी पढ़ना, एक अपनी बात बता दो वहीं से। भाई मुझे बोलना है क्या? चलो ठीक है बैठो बैठो बैठो। अरे मैं देख लूंगा इसको, बाकी का टाइम नहीं है, मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा इसको। गांधी बच्चे पढ़ाऊंगा, अरे मैं देखूंगा। अरे बाकी लोगों को भी बोलने दो ना, मैं करूंगा इसको, आप अभी अलग से बुलाऊंगा मैं आपको। अरे वही रखो, कागज लेता हूँ मैं। अरे वही रहने दो, अरे वही वही रहने दो, वही बैठो 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 बैठो। सब क्या आएगी आप पीछे माइक, पीछे दो माइक में, ये सरदार जी को दो। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, इस्माइलाबाद की मैं एक तो प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पे खराब हुई पड़ी है। एक तो ठक्का रोड पे पानी यही बैठ गई, इतना ब्लॉक धुआं पड़ा है, जहाँ पर दो नर्सिंग होम है, गुरुद्वारा साहिब भी है, मुख्या मार्केट भी है, एक स्कूल भी है, क्लिनिक भी है। पानी ऐसा मुख्यमंत्री साहब की इस्माइलाबाद में, हाँ जी सर इस्माइलाबाद में। अच्छा इस्माइलाबाद में कोई सीवरेज वगैरह भी डाला है क्या? सर सिर्फ डला हुआ है 2010 में डला हुआ, वो पानी की निकासी के लिए था, मगर 4 साल पहले MC ने उसको जो इस्माइलाबाद का गंदा पानी गया था उससे जोड़ दिया था, मगर उसमें हमारे बर्बाद हो गई है। 3 सालों से लगातार मुख्यमंत्री बर्बाद हो रही है पानी की उसका। सर अभी आप बैठे हो,
आदेश दीजिए, सभी विभाग आपके पास बैठे हैं, परमानेंट सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि ये इतना बहुत लंबी समय से मेरे पास ये शिकायत आ चुकी है। हाँ जी सर, पहले आ चुकी है और पब्लिक हेल्थ के लोगों को मैंने कहा है तो उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले, और परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए उसकी डीपीआर बनेगी, जो भी डीपीआर बनेगी जितना खर्च होगा सारा करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे अब ध्यान में आ गया ना, आ गया ध्यान में, आ गया, ले लो। अरे हो गया विषय, हो गया, बहसबाजी का नहीं होता विषय ये भाई। अरे क्या यहाँ शोर थोड़ी मचाना आपने, आइए लिखे तो दे देना। अरे भाई मैं सबके गांव में आज इसी में थोड़े अधिकारी भेजूंगा, मेरे ध्यान में आपने करा दिया, मैं आ गया ना यहाँ, जब मैं आ गया तो तसली करो, इतनी तसली करो। हाँ ठीक है ठीक है, आई नो इट, आई नो इट, आई नो इट, आई नो इट। हाँ और कौन है? हेलो हेलो, अरे जल्दी ना बचाओ, अगर जल्दी है तो मैं आपके सबके कागज पहले ले लेता हूँ, बाद में बात करता हूँ क्या? अरे मैं लेता हूँ अभी अभी। हेलो, नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं ब्लॉक समिति मेंबर इस्माइलाबाद ब्लॉक से हूँ जी, वार्ड नंबर 6 से। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है, हमारे 15 मेंबर हैं जी और 8 मेंबर हमारे विरोधी पार्टी, विरोधी की अपनी पार्टी है जेजेपी, उससे बने हुए हैं और 7 हम बीजेपी से, और 24 तारीख को हमारी मीटिंग हुई है और मीटिंग में इन्होंने हमारे को ग्रांट देने से मना कर दिया, खुद ग्रांट 8 मेंबरों में बांट दी, और जो इनके अपने हैं नहीं, वो ग्रांट ग्रांट कहाँ से आई है? वो ग्रांट ऊपर से आई है जी, ब्लॉक समिति उसमें खाते में आ गई है या उसमें कागज आया? आ चुकी है जी, खाली कागज आया, ग्रांट नहीं जी, ग्रांट आ गई है, मीटिंग हो चुकी है 24 तारीख को। ग्रांट क्या बैंक के खाते में चलेगी? ग्रांट नहीं जी, वो उन्होंने अपने काम पास करवा रही है, हमारे काम जो है वो पास नहीं करा लिए, पैसे तो नहीं गए ना अभी? नहीं गए। देखिए हर एक नगर पालिका का सिस्टम है, प्लीज सुन लीजिए, कोई चेयरमैन अपने आप पैसे नहीं बांट सकता। अब वहां एक फाइनेंस कमेटी बनी है, फाइनेंस कमेटी में 5 लोग होंगे, एक तो वहां का चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है ना, उसके माध्यम से वाइस चेयरमैन भी उनका ही है, ब्लॉक समिति की, ब्लॉक समिति की बात, ब्लॉक समिति में यही होगा, वहां पर ब्लॉक समिति में जो वहां का ब्लॉक समिति में अधिकारी कौन होता है? जिले में तो सीईओ होता है, पीडीओ, तो बीडीओ, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 2 पार्षद और, ऐसे 5 लोगों की समिति सब जगह बनेगी, जो 5 लोग बैठ करके तय करेंगे वो फाइनल होगा, अकेले चेयरमैन के करने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है। चलिए इनको बोलने दो, नहीं पीछे। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं गांव का चौकीदार हूँ सर, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे को सैलरी 7,000 रुपए मिलती है जी, तो पूरे खंड के चौकीदार नहीं बैठ जाओ, मैंने देख लिए सारे चौकीदार देख लिए, आपका लीडर खड़ा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो सर ऐसा है ना, लीडर को इतनी छूट होती है, बाकी चौकीदार ड्रेस पहनते हैं, लीडर चौक जो होता है वो ड्रेस नहीं पहनता है, तभी माना जाता है लीडर ही थे। तो सर एक हमारे लिए कम से कम 20,000 रुपए मासिक वेतन किया जाए जी, और एक 2019 में लेटर जारी हुआ था सर, प्रति एंट्री 300 रुपए मृत्यु इंद्राज के लिए, जिसको अब तक जिला क्षेत्र में लागू नहीं किया गया सर। अच्छा। इसके लिए हम 2 बार बीडीओ ऑफिस कार्यालय और डीडीपी कार्यालय 1 बार जा चुके हैं सर, इसके लिए थोड़ा गौर करें ताकि हम चौकीदारों ने अपनी समस्या रखी है, जन संवाद कार्यक्रम सैलरी की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं होल्डिंग करने के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ, गांव चांसा में घोषणा प्रति दर्दी पैसा मिलेगा, क्यों नहीं मिला है इसमें नोट लगा, आप लिख करके दे देना है, ठीक है, सारी अपनी डिमांड जो है लिख करके हमको दे देना, ठीक है सर। एक हमारा सर मानदेय जरूर बढ़ाना सर, हमारा करेंगे उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी बात, ठीक है सर। चलिए बोलो भारत माता की, भारत माता की, सब लोग बैठे रहना, जाना नहीं, लेकिन कुछ लोगों को, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैं बता रहा हूँ ना, बैठ तो जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अरे रुक तो जाओ, मैं बात करूँ, मैं भी नहीं जा रहा, आप भी मत जाओ, मेरी बात सुन लो 2 मिनट,
अभी कुछ लोगों को जाने की उनको जल्दी है, जो कागज हाथ में लिए बैठे हैं वो चाहते हैं कागज मेरे हाथ से जाए तो मेरी तसल्ली होगी। अरे बैठ जाओ भाई, अब बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो, मत खड़े हो। एक बार जिनके हाथ में कागज है हाथ खड़े कर दो, जरा जिनके हाथ में कागज है हाथ खड़े कर दो। आप लोग उठना नहीं जाओ, खड़े है खड़े रहो, बैठे बैठे रहो। अपने कागज को निकाल करके मैं आपके पास अपना आदमी भेज रहा हूँ, उनको कागज दे दो, मेरे पास आ जाएगा। आप दौड़ के आओगे कोई फायदा नहीं है भाई। जवाहर जी नाम ही दूंगा, ये जाओ, सिक्योरिटी के जो लोग हैं अपने। हाँ जी मुख्यमंत्री जी, अरे रुको एक बार, इसको बंद करो। अरे पहले एक बार बोलना, अरे पहले एक बार कागज लेने दो, बाद में करता हूँ। अरे रुको ना, एक बार कागज लेने दो, पहले कागज इकट्ठे करने दो, उसके बाद बोलना। रुक जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, माइक देंगे सबको, देंगे। अरे सबको देंगे, पहले मेरे कागज ले जा रहे हैं। जब कहा है कि दो मिनट रुक जाओ, हालांकि इस्माइलाबाद वाले बोलने के लिए, वरना ये दो काम साथ साथ रिक्वेस्ट कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले सभी की शिकायत ली जाए, उसके बाद सबसे बातचीत करेंगे। ये अप्लाई तस्वीर देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज के माध्यम से विक्रम सिंह। रुक जाना भी, मैं देख रहा हूँ, नहीं हुए है। अरे कागज मेरे पास आएंगे, उसके बाद बोलना शुरू करेंगे। पहले नहीं, दो काम एक साथ नहीं चलते, एक समय में एक काम, एक समय में एक काम। भाई सबके कागज आ गए, किसी का बाकी तो नहीं है। बोलो भारत माता की। हाँ अब बोलना शुरू करते हैं, पहले आप शुरू करो, इनको दो। अरे नहीं कागज नहीं चाहिए, आपने एक बात में बोलने में बोल दो, आपने एक बात में बोलने में बोल दो। मेरे मान व सम्मान के योग मुख्यमंत्री जी, आपका गांव झांसा में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद है। गणमान व्यक्ति आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। हम इस्माइलाबाद गांव से आए हुए हैं, 100 लोग इस्माइलाबाद गांव के अंदर जो नगर पालिका बनी है उसको हमने भंग करवाना जनाब। यहाँ पे वोटिंग की जो व्यवस्था है, वोटिंग डब्बे रखे जाए, जिसको नगर पालिका चाहिए होगी नगर पालिका ही वोट डाल देगा, जिसको पंचायत की वोट चाहिए पंचायत की। सारा इस्माइलाबाद चुनाव हो गया क्या? नगर पालिका को हो गया था जनाब। कब हुआ ये? एक साल हो गया, 22 जून को ही, 2022 को। हम धरने में बैठे रहे, भारती जी के पास भी गए, आपके गए, आप कोठी में गए, वहां मिले नहीं आप। मंत्री जी के पास तो हम पता नहीं 100 बार गए जी, हम सभी जगह जाए गए, सारा रोना रहे, सारा इस्माइलाबाद परेशान है। टोटली कोई पंचायत की जगह नहीं है सर, बार बार रिक्वेस्ट है हमारी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज, अरे इनको दो ना, हो गया सर इनका, इनका ये इनके साथ है सर। भाई साहब, भाई साहब मोहित, हेलो, आप माइक ना, आप कर लो माइक जी। जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो 8 साल हो गए, सभी गांव में मेरे 75 डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलोनियां पास हो रही है, कुछ कॉलोनियां एक एक दो गांव में आई है, ठीक है जी। मंत्री जी हमारे संदीप सिंह जी, जो गरीबों के पेवाल के में मसीहा बने हुए हैं, ये अपने कोटे से या अपने गरीब लोगों के घर जाते हैं, जैसे कोई समस्या उनके मकान गिरने से, कोई किसी प्रकार मुख्यमंत्री नोट कार्यक्रम के माध्यम से इतना पैसा तो मुख्यमंत्री। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी कॉलोनियां प्रधानमंत्री आवास के तहत 8 सालों के पास हो रही है ना जी, उनके पैसे जल्दी से जल्दी ढोवा ले। कुछ तो मेरे खुद गांव के, मेरे खुद एक जी बलविंदर सुरमेड़ में इस्माइलाबाद मंडल से महामंत्री एससी मोर्चा का, मेरे गांव में जी गरीब आदमी की जी उसकी मकान गिरा है, कि मकान तो उसका मकान गिरा पड़ा है। मैंने 50 चक्कर मार लिए जी वहाँ पर डीसी ऑफिस में, वहाँ पर कोई सुने वो कहते मेरे पास पैसे ही नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। धन में आ गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा भी हम योजनाएं बना रहे हैं, खास करके जो रिपेयर का है वो 80,000 रुपया डॉक्टर अम्बेडकर नवीनीकरण आवास नवीनीकरण योजना में वो हम सबको देते हैं।
उसके लिए हो सकता है इस साल का कुछ पैसा रुका हो, पहले सालों को दोबारा चला गया, लेकिन अभी जिनके मकानों का नवीनीकरण होना है उनको 80,000 का सबको दिया जाएगा। और नया सर्वे चल रहा है, नए सर्वे में जिसके परिवार के पास कोई मकान नहीं है और वो गरीबी रेखा से नीचे है उनके सबकी सहायता की जाएगी, और जो ठीक ठाक संपन्न है उनको ये पैसा नहीं मिलता है, मिलता उन्हीं को जिनको जरूरत होती है। पीछे जो खड़े हुए थे, हाँ अभी कराएंगे, सब कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का महर्षि मार्केटेश्वर की पावन धरा पे स्वागत है, और आपका ये कार्यक्रम जो जन संवाद कार्यक्रम है, आम जन से मिलने का कार्यक्रम, ये बहुत सफलतापूर्वक हो रहा है। और हमारे गांव में आज आपने मौका दिया, मैं हरियाणा में जितने पिछड़ा वर्ग के लिए आपने जो कार्य किया है उसके लिए अपने युवाओं की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने आरक्षण लागू किया और उसमें हमें मौका मिला है। हम सदा ही आपके ऋणी रहेंगे। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग को आज जो जिम्मेवारी के तहत आज जो पोस्टें मिली हैं, जिस भी जो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो चेयरमैन है, वो सब आपकी बदौलत है। हमारे लिए आप एक बहुत बड़ा कार्य कर चुके हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी आपको कभी भी नहीं भूल पा सकती, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का कोई हितैषी नहीं था। और डीएनटी समाज का जो आपने बोर्ड बनाया है उसके लिए सदा ऋणी रहेंगे। वो घूमने फिरने वाले लोग जिनको कोई पूछता नहीं था वो आपने पूछा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और वो एक मोमेंटो आपको देना चाहते हैं सर, पिछड़ा वर्ग की तरफ से वो बजाते दे देंगे। धन्यवाद आपका। माननीय मुख्यमंत्री जाऊंगा, बिना सुने नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन, आप हमारे गांव में आए गोल्डन गेट न्यूज़ के माध्यम से। सबसे बड़ी बात अभी तक जब से हरियाणा बना है तब से लेके अब तक काफी मुख्यमंत्री आए, मगर आप जैसा ईमानदार और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा है। एक छोटी सी बात, कोई शिकायत नहीं है भाजपा पार्टी के लिए, मगर एक छोटी सी चीज, पिछले दो साल से हम कुरुक्षेत्र जैसे जाते आते हैं तो हमारे गांव झांसागर रोड उसकी हालत इतनी खस्ता हो रखी थी, वो अभी आपके आने में थोड़े दिन पहले उसमें टाकियां लगी हैं। स्वागत है सर आपका, दोबारा भी आइए। मगर एक छोटी चीज की भी, अभी उसमें टाकियां लगी हैं, वो भी महीने में खत्म हो जाएंगी, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है वो रोड को जरूर पास करने जाएंगे। सर एक्सक्यूज मी, चले चले ठीक है। एक छोटी सी, दो तीन और समस्या है, प्लीज रिक्वेस्ट। चलो आप लिख करके सारी दे देना सर प्लीज। एक छोटी सी, एक हमारे गांव में इतना टैलेंट है बच्चों में, मगर हमारे गांव में उसको आगे लाने के लिए कोई वो नहीं है, स्टेडियम नहीं है भाई। हमारे गांव में इतने खिलाड़ी हैं, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कुछ नहीं है सर, ठीक है, झांसा में लाइब्रेरी पास की सर। थैंक यू वेरी मच। एक और छोटी चीज, हमारे गांव में इतनी सरकारें आई, इतने एमपी एमएलए आए, मगर आज तक सभी ने एक ही नारा लगाया कि हम यहाँ की बहन बेटियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनवाएंगे, मगर आज तक कोई ऐसा नहीं बना। हमारी बहन बेटियां बसों में धक्के खा रही हैं, कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद। सुनिए, उसके लिए हम लगातार पिछले 5 साल भी अभी भी पूरे प्रदेश में महिलाओं की बेटियों की शिक्षा, इसको कैसे हम ठीक करें। पिछले साल में कुल 72 कॉलेज हमने खोले, जिसमें से 42 केवल महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए, बाकी सब कोएड थे। अभी भी 20 किलोमीटर एरिया में एक कॉलेज महिलाओं के लिए, चाहे महिलाओं का हो चाहे कोएड हो, ये जरूर होना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर दायरे में, यानी 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर कोई कॉलेज नहीं है, उसका इस बार विचार जरूर करेंगे। एक हमारे इधर के, मतलब अभी ये बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वालों ने इतनी ठगी मार रखी है, हमारे गरीब मिडिल क्लास के लोग मांगने जोगे भी नहीं है, और वहाँ हमें पैसा देना पड़ता है एक्स्ट्रा किताबों में, स्कूलों में इतनी ठगी मार रखी है जी, किताबों का इतना रेट, और मिलेंगी भी स्कूल से, बाहर से नहीं मिलती। आपको अगर ध्यान में आया हो, मैंने कल फरीदाबाद में घोषणा की है, अखबारों में छप चुकी है, कि अब किताबों के बारे में पॉलिसी बना देंगे, जितनी मोटी किताब होगी उसके पेज के हिसाब से उसके रेट तय कर देंगे, इतने पेज की किताब तो इतने रुपए, इतने पेज की किताब तो इतने रुपए। सरकारी जो खर्च आता है उसमें 10-15% योजनाओं का जोड़ देंगे, उनका प्रॉब्लम, लेकिन जो खर्चा है उससे 10-15% के ज्यादा इतना डबल नहीं कर लेंगे कि है तो 50 रुपए किताब ले लो 100 रुपया, जो खर्च आता है उस खर्च का।
अरे भाई ठगी तो रोकने के लिए कह रहा हूँ मैं, वही तो रोक रहा हूँ कि अब किताबों पर वो एक निश्चित राशि से ऊपर है। चलिए अब इसमें पैसे नहीं दोगे। एक छोटी सर, एक मेरे चलो बात करनी नहीं चाहिए मगर मेरे ताऊ जी की बेटी जो कि उसके ससुराल वालों द्वारा मार दिया गया था उसको आज से कुछ साल 5-6 साल पहले, सर उसकी मतलब हमारे हरियाणा का कुछ ऐसा, हरियाणा का भारत का ही सिस्टम ऐसा कि भी अगर कोई केस है तो उसमें बंदे की सारी उम्र निकल जाएगी सर, और वैसे ही मेरे पिताजी मेरे ताऊ जी और की चप्पलें घस चुकी हैं सर जी, मगर वो केस आज तक खत्म नहीं हुआ और अब भी वो विरोधी सर बाहर हैं। उस केस के बारे में कोर्ट मैटर होगा या फिर पुलिस मैटर होगा तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ही पता लग सकता है, ऐसा इसका जवाब यहीं से देना। धन्यवाद सर, थैंक यू। आप चलिए एक, हाँ आप बोल रहे, रुक जाओ रुक जाओ, भाई इतना नजदीक आके बोलने जरूरत नहीं है, सबको बताओ, उनको उधर मुंह कर लो, उधर मुंह कर लो, उधर उधर मुंह कर लो और उधर कर लो, बताओ। ऐसे जनाब मैं बात जो करूँगा स्टेट लेवल के, लेकिन हमारे गांव में 5-10-15 मंत्री हैं जी, हम MITC से हूँ मैं जी, हमारा महकमा बंद कर दिया गया था, हमारी कोई पेंशन नहीं बनी थी, हमने भूखे मर दिया जी, पूरा पेंशन लगवा ली थी जी, उसके पश्चात आपकी मेहरबानी से आपने हमारे को 11,000-15,000 रुपए हंडोरियन दिया था जी, जनसमय लोगों तो हमने चले जी, उसके बाद तो कोई बीमारी सुनाई नहीं कर रहे थे, हमारी पेंशन दो मतलब 2 साल से बंद पड़ी है, हंड्रेड कौन सा डिपार्टमेंट है, MITC जी, MITC का। अब हमने तय कर दिया है कि जो पिछले पैसे आपने दोनों चीजें ली थी, दो पेंशन, एक तो होल्डेज ले ली थी और एक ये ले लिया था, गलती तो आप लोगों की दोनों नहीं लेनी चाहिए थी, अब जब डिपार्टमेंट ने दोनों देखी तो आपको उसको बंद कर दिया, अब पिछला मैंने उनको फाइल पर सोल्यूशन करा दिया है कि पिछला ज्यादा पैसा नहीं, जो थोड़ा बहुत पैसा भी बनता है जो लिया हुआ है उसकी पेंशन में से काट के लेके पेंशन चालू कर दो, मुझे लगता है इस अगले महीने पेंशन चालू हो जाएगा। 10-2 हजार में लगी थी हमारी जी, तो आपने मौखिक तौर पर कहा था इनको जो पैसे जमा कर 48,000 रुपए जमा करा दिए थे वहां जी, आपने जमा करा दी सारे, हाँ करे 48,000 जमा करा दी, उसके बाद उन्होंने पेंशन ही काटी अभी तक जी, आप फरवरी में पेंशन काटे, हम वो भी देने में तैयार हैं जो फरवरी तक का है जी, लेकिन पेंशन जबरदस्ती दे रहे थे, नहीं तबर थी थोड़ा, हमने अप्लीकेशन दी थी, अप्लीकेशन दी थी समाज कल्याण को, हमारी बंद नहीं करी थी, हमने कहा हमारे से ले लो आप, ओल्ड एज पेंशन ना, हाँ जी ठीक है, उसका आपका कोई दोष नहीं, आपको जब से ये पेंशन बंद हुई है यही मिलेगी पूरी, अब कह रहे हैं 1 साल के पीछे भूखे मर गए लोग, बिल्कुल बुरा हाल है जी, चलिए अब हो गया ना, मैं बनता अभी पिछले महीने फाइल आई थी, हमने क्लियर कर दी हो, 2 साल हो गए हमारा कोई पैसा नहीं, अब मैंने कह दिया ना पिछले महीने फाइल क्लियर कर दी, ठीक है कर दी मैंने, चलिए अब ये एक बुजुर्ग ही और बस। अच्छा अरे भाई कोई बोलना माइक पर बोल, नमस्कार अंकल जी, हाँ नमस्कार, जो अपने जनता है ना जी उसकी राशन कार्ड की बहुत बारी समस्या हो चुकी है जी, देखिए मैंने बताया किस राशन कार्ड जिसका कट भी गया है या नहीं बना, नया नहीं बना है, वो अपील करके अपने जो किसको कराने भी ADC में सारे जिले के लोग ADC थोड़ी करते होंगे, ये FSO जिसका कटा है वो भी और जिसको नया बनना वो भी, हाँ तो AFSO यहाँ बता रहे हैं उसके, हाँ कार्यालय पता कर लो, अगर आपकी नई बननी है तो लिख दो, कट गई है तो वो भी दोबारा बनने के लिए, आप अपना फोन नंबर दे के जाओ, दे दिया कागज दिया बस ठीक है, चलिए बोलो भारत माता की, देखो भाई देखो बस 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 चलो 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 चलो, ये तो ऐसा है कि एक हर एक चीज की सीमा होती है, मेरा कार्यक्रम 12:30 मैंने यहाँ खत्म करना था, क्या टाइम हो गया 12:40 हो गए, 11 से 12 12:30 था, 1:30 के भी 40 मिनट ज्यादा हो गए, बोलो भारत माता की।